रोलेक्स सूर्या और लॉर्ड बॉबी की अपकमिंग मूवी कंगुबा का छोटा मोटा ऑफिशियल टीजर आ चुका है। सो गाइस हम उस टीजर के ऊपर रिएक्ट करेंगे, इसके बाद इस टीजर के बारे में बात भी करेंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्ड्स, माय नेम इज अनुग्रह। और अगर वीडियो को इंटरेक्टिव के पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए गाइस। सो लेट्स स्टडी रिएक्शन वीडियो। वन टू थ्री लेट्स स्टार्ट। Brace yourself, Kanguba world, Naki. Wow, Chamandar. Surya. Khatarnak. Gallant. Ruthless. खत्म भी हो गया, खतरनाक है भाई, मजा आ गया इस छोटे मोटे टीजर में। क्या खतरनाक टीजर था भाई। देखते भाई चल रहा था कि मैं हॉलीवुड की मूवी का टीजर देख रहा हूँ, और मूवी ना सिर्फ 350 करोड़ का, 350 करोड़ में इस तरह की हॉलीवुड स्टाइल मूवी, खतरनाक। क्या कस्टम डिजाइन है, और दोनों लॉर्ड बॉबी और सूर्या बहुत ही खतरनाक दिख रहा था इस छोटे मोटे टीजर में। ऐसे डायलॉग तो नहीं था फिर भी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। एक ही डायलॉग था ना शायद, परमच्ची वैसा वैसा बोल रहा था, मुझे मालूम नहीं है मुझे इसका मतलब मालूम नहीं परमच्ची का मतलब, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का टीजर नहीं है अब तक। ऐसे ये मूवी पैन इंडिया में रिलीज होगा, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा। बहुत ही खतरनाक दिख रहा था भाई टीजर इस छोटे मोटे टीजर में। और यहाँ पर ना खंगुबा का मतलब होता है डी मैन विद द पावर ऑफ फायर। फिलहाल के लिए तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, बट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर दो कबीला है, एक ना खंगुबा की कबीला और दूसरा उदिरा की कबीला, मतलब लॉर्ड बॉबी की कबीला। तो उस दो कबीलों के बीच में दुश्मनी है शायद, मतलब लड़ाई चलता रहता है, रूल करने के लिए लड़ाई चलता रहता है शायद, और रूल कौन रूल करेगा मुझे मालूम नहीं है। बट एक और पोस्टर भी आया है, मतलब एक पोस्टर भी आया है, ये पोस्टर तो पहले ही आ चुका था शायद, पहले ही आया था शायद ये पोस्टर। बट ये पोस्टर देखने के बाद लग रहा है ना, ये वाला पोस्टर देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की कहानी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्या सूट बूट पहना हुआ है। देखो एक दूसरा वाला खंगुबा वाला सूट पहना है, मतलब जो पुराने ज़माने की जो सूट है वो वाला पहना है, और मतलब पुराने ज़माने के जो कपड़े है कस्टम से वो सबको पहना है, और एक और दूसरा वाला है जो वो सूट पहना है। तो हमें यहाँ पर फास्ट और प्रेजेंट की कहानी देखने को मिल सकती है, मतलब फास्ट में सब लोग मर जाता है, मर जाने के बाद प्रेजेंट आज के समय की कहानी देखने को मिल सकती है। मतलब आज के समय में जो वो पिछली वाली जो कहानी थी, जो पुरानी वाली कहानी थी, मतलब फास्ट की जो कहानी थी, वो इस प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हो जाएगा शायद, मतलब फिर से जन्म लेकर इस प्रेजेंट टाइम में ख़त्म कहानी, जो कहानी अधूरा रह चुका था वो ख़त्म हो जाएगा शायद, मतलब मेरे ख्याल से, मतलब विलन को मरना वरना इस प्रेजेंट टाइम में हो जाएगा शायद, मतलब खंगुबा मारा उधीरा को मरना वरना वो इस प्रेजेंट टाइम में हो जाएगा शायद। वो फिलहाल के तो मुझे ऐसा भी मालूम है, मतलब छोटा मोटा इस तरह के मालूम है, पोस्टर देखने को मैंने गेस कर लिया, श्योर भी नहीं हूँ मैं, बट जब थ्रिलर आएंगे तब श्योर हो जाऊंगा मैं। मतलब मूवी का थ्रिलर आने के बाद ही तो पता चलता है इसका स्टोरी कैसा होगा, मतलब स्टोरी किस तरह से रहेंगे। तो मूवी का थ्रिलर का इंतजार करते, और यह लंबा वाला टीजर भी आ सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये छोटा मोटा टीजर है, बस 50 सेकेंड का ही टीजर है, 50 सेकेंड या 51 सेकेंड है शायद टोटल। सो जब थ्रिलर आएंगे तब पता चलेगा इसकी स्टोरी के बारे में, और मूवी देखने के बाद मजा आएंगे, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। और हमें ना यहाँ पर समंदर और ज़मीन दोनों में फाइट देखने को मिल जाती है आजकल ना, ज़्यादातर मूवी बड़ी बड़ी मूवी आने वाला है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी मूवी आने वाली है वो समुद्र में फाइट होने वाला है शायद, क्योंकि यहाँ पर भी हमें समुद्र में फाइट देखने को मिलेगा। खतरनाक देख रहा था भाई वो समुद्र वाला सीन, क्या वीएफएक्स चीज़ है भाई, कुछ भी गलत नहीं दिखाई दिया मुझे वीएफएक्स चीज़ है, बहुत ही खतरनाक हाई फाई पूरा हॉलीवुड स्टाइल भाई, हाई क्वालिटी वाला मूवी, पूरा पार देने वाला भाई, पूरा रिकॉर्ड तोड़ देने वाला वाला मूवी। सो फिलहाल के लिए हम बात करिए कि कास्ट एंड क्रू के बारे में। कास्ट में तो मेन रोल में सूर्या है एस कंगुबा, और इसके बाद बॉबी देओल मतलब लॉर्ड बॉबी एस उदिरा, इसके बाद दिशा पता नहीं है वो हीरोइन रहेंगे, इसके बाद नाथा राजन सुब्रमण्यन, और इसके बाद जगपति बाबू भी है विलन रहेंगे सर वो सब लोग भी, योगी बाबू, इसके बाद रेडियन किंग्सली, खबाई सराला, आनंदारस जी,
मारी मुट्टू दीपा दीपा वेंकट रवि रिगाबेंद्रा के एस रवि कुमार और बी एस अविनाश बहुत लोग है। और इसके बाद डायरेक्टर है शिवा और इसका ही टीम है शायद शिवा का ही टीम पूरा शिवा है। स्क्रीन प्ले स्टोरी है आदि नारायणा, मुझे इसका फोटो नहीं मिलेगा सर मेरे ख्याल से। और ये मूवी ना कितनी करोड़ का है, ऑलमोस्ट 300 और 350 करोड़ का ही है, 350 करोड़ का। सो मेन लैंग्वेज तो तमिल है और ये पूरा पैन इंडिया में रिलीज होगा। आप आई तो टीजर में नहीं है, ट्रेलर को पूरा सभी लैंग्वेज में रिलीज करेंगे सर, मतलब पैन इंडिया वाले लैंग्वेज लैंग्वेज में हिंदी सब कुछ, हिंदी तमिल कन्नड़ा तेलुगु सब में रिलीज करेंगे। सो आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म कर दिए गैस। और एक मिनट प्रोडक्शन कंपनी है स्टूडियो ग्रीन और यूबी क्रिएशन ना पहले एक मूवी ला चुका था शायद मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं बट। और म्यूजिक किसने दिया है, देवी श्री प्रसाद, अच्छा है भाई म्यूजिक भी बहुत ही खतरनाक सुन था यहाँ पर। सो मज़ा आ गया भाई ये वाला छोटा मोटा टीजर देख के, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो आप लोगों का काम बनता है मुझे खुश करना, मतलब सब्सक्राइब कर देना गाइस हमारा, और हमारा चैनल 4K हो चुका है। थैंक यू सो मच 44K सब्सक्राइबर गाइस, एंड अभी के लिए हमें जाना है 5K तो सपोर्ट कीजिए गाइस, सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो आज की वीडियो को प्रोग्राम करते, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए गाइस।